हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक निबंध लाई हूँ। ये निबंध प्रदूषण पर है। जल ध्वनि वायु प्रदूषण होते हैं, हमको स्वस्थ कराते हैं। दूषित वातावरण बने, हम सब इससे घबराते हैं। आओ करें निरंतर इस पर, ये दानव बन आया है। स्वच्छ रखे परिवेश, स्वच्छता से ही अपने नाते हैं। प्रस्तावना। प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है दूषित करना। प्रदूषण समाज को दूषित वातावरण से ही उत्पन्न होता है। आज के युग में मानव प्रगति के साथ कृत्रिम पूर्ण ढंग से अनियमित छेड़छाड़ कर रहा है, जिस कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका प्रभाव पूरे वातावरण में दिखाई दे रहा है। प्रदूषण। प्रकृति द्वारा मानव जीवन को सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी तथा रहने के लिए भूमि दी गई है। परंतु जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तब वायु प्रदूषण उत्पन्न हो जाता है। लोगों द्वारा फैलाए गए कूड़ा करकट के बढ़ते गंदगी के कारण जल दूषित हो गया है। चारों तरफ बढ़ते शोर के कारण, तेज ध्वनि के संयुक्तों के कारण ध्वनि प्रदूषण तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भूमि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं की तृप्ति के कारण, छोटे छोटे स्वार्थों को के कारण प्रकृति के नियमों का विरुद्ध कार्य करके संतुलन प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो मानव जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक है। उपसंहार। वर्तमान अवस्था में स्वास्थ्यपूर्ण समाज के कारण प्रदूषण भयंकर रूप धारण करता जा रहा है। अतः यदि मानव जीवन को संकट से बचाना है तो वृक्षों को लगाना होगा। कारखानों को आबादी वाले स्थान से दूर बनवाना होगा, क्योंकि प्रदूषण जैसी भयंकर विंड बना से बचाने के लिए उस पर नियंत्रण आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर